पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। दुमका के मुफस्सिल थाना में पदस्थापित एक चौकीदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उसकी गाड़ी को भी आग लगा दी गई। चौकीदार मोहम्मद शबीर की लाश गुरुवार की सुबह पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दोमहानी गांव के ढाका मोड़ स्थित मुख्य मार्ग से बरामद किया है। मृतक की लाश उसकी वर्दी में ही मिली है। वहीं चौकीदार मोहम्मद शबीर के चार पहिया वाहन को हथियारों ने आग के हवाले कर दिया, जो जलती हुई अवस्था में जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश डी के जंगल से बरामद किया गया। वह जहां मृतक की कार मिली है वो घटना स्थल से काफी दूर है। वहीं चौकीदार मोहम्मद शबीर की जिस जगह लाश मिली है वो जिले के तीन थाना क्षेत्र काठीकुंड, शिकारी पाड़ा और मुफस्सिल का बॉर्डर इलाका है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने कहा कि मामले की हर बिंदु पर अनुसंधान की जा रही है और जल्द ही पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी। जांच में खोजे कुत्ते की भी मदद ली जा रही है। इधर घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। यहाँ इस तरह का घटना जो हुई है इसका उच्च स्तरीय जांच हो, यही हम लोगों का यहाँ का मांग है। यहाँ का लोगों का इस तरह का घटना नहीं होना है, लेकिन हो चुका है। इससे हम लोग काफ़ी आहत हैं और ये घटना बहुत ही बड़ा घटना है। इसका सीबीआई जांच हो और जांच करके मुजरिम है उसको पकड़ा जाए। देखिए, पता यही चल रहा है, ग्रामीण क्या पता लगाएंगे, चूँकि रात की घटना है। रात की घटना में यहाँ कैसे पता लगेगा और यहाँ का ग्रामीण पता कैसे कर सकेंगे, ये पुलिस प्रशासन का ये उच्च स्तरीय की जांच से ही इसका जांच हो सकेगा और उसका पता लग सकेगा। चौकीदार था ये? हाँ जी, चौकीदार। क्या नाम है? शब्बीर अंसारी। ग्रामीणों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।